जय श्री माता जी। आज हम इस सेशन में ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड में आले ये मराठी भजन लेने वाले हैं। ये सेशंस जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें हम उस भजन के नोटेशंस बताते हैं, उस भजन को कैसे गाना चाहिए, उसकी बेसिक ट्यून क्या है वो बताते हैं, और इसके ताल के बारे में हम जानकारी देते हैं, ताल के साथ गा के भी दिखाते हैं, ताकि जो वोकल सिंगर्स हैं उनको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा उसके राग के बारे में, नोटेशंस के बारे में पता चले। अगर हमें सुरों के बारे में जानकारी हो तो प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं जैसे हारमोनियम, फ्लूट, वायलिन, उनको भी इससे मदद होगी क्योंकि यही नोटेशंस उस पर भी बजाते हैं। और जो ताल वादक है उनको भी गाइडलाइन मिलती है कि इस भजन में किस तरीके से ताल बजाया गया है। इसलिए सभी को फ़ायदा हो इसलिए हम ये सेशंस कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको सभी को इससे कुछ ना कुछ मदद मिले। हम शुरू करते हैं ब्रह्म शोधिले। इस भजन का राग है राग हंसध्वनि। हंसध्वनि राग शंकर राग को सिमिलर है। इसका चलन मैं आपको बताती हूँ। स्केल हमने ली है सी शार्प यानी ब्लैक वन। पनी सारे गरे गरे नी पसा सारे गरे ग पग पनी पनी सारे गरे गरे नी पसा नी पग परे गरे नी पसा। इसे इसमें शुद्ध सुरों का उपयोग किया हुआ है, लेकिन हमारा भजन जो है वो लाइट म्यूजिक में आते हैं तो इसमें कुछ स्वर जो इस राग में नहीं यूज़ होते हैं वो भी इसमें यूज़ होते हैं, ताकि उस गाने का उस भजन का और सुंदरता बढ़े। इसलिए इस भजन का जो ताल है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं ऋषिकेश से। ये भजन में जो ताल बजाया गया है उसका नाम है ताल भजनी। भजनी ताल के जो बोल है वो है धिन ना धिन धिन आग धिन धा तिन तिन आग, और उसके बाद में जो जन्मो जन्माची पुण्याई ये जो शब्द जब आते हैं तब उसमें ताल केहरवा का इस्तेमाल भी किया गया है। उसमें जो डफ पैटर्न है वो बजाया गया है। वो किस हिसाब से बजाया गया है वो मैं आपको बजा के बताता हूँ। इस हिसाब से जो जन्मो जन्माची पुण्याई ये जो शब्द आते हैं तब ये डफ पैटर्न बजा के और उसको तोड़ के फिर ताल भजनी या ताल केहरवा का इस्तेमाल फिर से किया जाता है। हम शुरू करते हैं अब भजन को। ये जो मध्यम है वो तीव्र है। आई तुझी आ निसा रे ग म प दा मी रे सा ब्रह्म शोधी ले ग प नि सा ग रे सा नि ब्रह्मांड सा नि ध प ग नीला ले रे सा रे रे नि सा रे ग म प धा मी रे
षड्ज का कर्णस्वर है। जो हम एक सुर से दूसरे सुर पे जाते हैं स्लाइड करके रे ने ने प, इसको मिंट कहते हैं। और इस गाने में, इस भजन में वो काफी बार आया है। जन्म जन्मांची पुण्याई आज आली मानी सगरे जिया रे ने ने प, कामी ग परे कामी पग परे निसारे गम पारे सा। तो ये ध्रुव पद है, इसको हम अभी ताल के साथ देखते हैं। ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिलाले आई तुझे आ हम पहला अंतरा देखते हैं। चित्ता परी ममा पा 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 पद सद पा पा, चित्ता परी ममा पा 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 पद सद पा पा, जे जे रे गरे सा सा सा, जे जे दिधले रे गरे सा सा सा। चित्ता परी इस पंचम को धैवत का कर्णस्वर है। ग ग ग ग परे जितन्या से ते तेशो गपनिदा तेशो धियाले धियाले सारी ससनी धियाले, इसको मूर्खी कह रहे हैं। सारी ससनी धियाले चित्ता परे सद परे जे जे दिधले रे गरे सा सा सा, जितन्या से थे ग ग ग ग परे तेशो गपनी दसाने तेशो धियाले साने धप अभाव मजला पा 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 भासता रे गो सा सा सा, दगडाला ही ग ग ग ग परे मी पो गपनी धाजी आले सारी ससनी मी पो जी आले गपनी धा सारी ससनी गम्य गम्य ग
जैसे हमने जन्मो जन्मांची पुण्याय लिया था वैसे ये इसका भी नोटेशन। गम्या गम्या ग ग ग प प सर्वचि कळले प प द प ग गम्या गम्या सर्वचि कळले ग ग ग प प प प द प ग भरता पानी सगरे भरता पोकाळे रे ने ने प प ग पोकाळे रे ने ने प प ग रे कामी ग परे रे कामी आए तुझी आ को हम ताल में देखते हैं। अब हम दूसरा अंतरा देखते हैं। अनुभूति ने अनुभू गपने अनुभू गपने सानिधा तेने पग पगरे सानिधा पग पगरे पगरे चैतन्याचा परे घरे सासा चै परे चैतन्याचा परे घरे सासा स्वहृदय तुझा नीरे रे माम ये तीव्र मध्यम है। स्वहृदय तुझा नीरे रे इस षड्जों को हम ऋषभ का कर्णस्वर लेते हैं। निसाने निसाने निरा यानी उसको रेज जो होता है वो थोड़ा सा होता है टच करके आता है। निसाक्षी अले मध मध निध निसाने धप धर्म सत्व हीना प प प प ध परे धर्म सत्व हीना नश्वर आहे रे ग सा 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 नश्वर आहे रे ग सा 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 देवा वीण मज ग ग ग ग परे देवा वीण मज ग ग ग ग परे सा
पाळले पाप भग सत्य सत्य सर्वच कळले ग ग ग प प प प भग मजना पापनी सगरे मजना इसको हम अब ताल में देखते हैं। जो तीसरा अंतरा है वो पहले अंतरे के जैसा ही है और चौथा अंतरा दूसरे अंतरे के जैसा है, तो आप वो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। हम आशा करते हैं कि आपको इससे मदद मिली होगी। आपके कुछ सुझाव हो, कमेंट्स हो, तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री माता जी।